सो हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। स्वागत है आपको मेरे एक नए यूट्यूब ब्लॉग पर। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग एक और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए ब्लॉग को फटाफट से शुरू करते हैं और ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और आज मैंने ब्लॉग काफ़ी लेट से शुरू किया है, लेकिन मैं ब्लॉग ज़्यादातर सुबह ही शूट करता हूँ और मुझे सुबह ही टाइम मिलता है। लेकिन आज घर पे हूँ, क्योंकि आज घर पे रहने का रीज़न भी है, वो मेरा काम वगैरह भी नहीं था। और आज भी मेरी छुट्टी है और आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और मैच देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते, ब्लॉग पूरा देखिएगा। हमारे यहाँ का मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रहा है और अभी तो लगभग धूप है और आज कुछ दिनों से एकदम मतलब चिलचिलाती गर्मी भी पड़ रही है हमारे यहाँ। लेकिन उससे पहले बारिश हो रही थी और आज सुबह भी बारिश हुई, लेकिन अभी फिर से मौसम पूरा खुल चुका है और पूरी धूप निकल रही है और काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। और फ्रेंड, लगभग रात के 8 बजे से मैच शुरू होने वाला है, भारत और पाकिस्तान का मैच। और हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान का मैच है और हमारी भारत टीम बहुत ही पावरफुल और फॉर्म में है, क्योंकि भारत की बॉलिंग और बैटिंग लाइन दोनों ही अच्छी है और पाकिस्तान के मुकाबले से। और पाकिस्तान की टीम भी अच्छा खेलेगी, लेकिन मैच ज़ोरदार होना चाहिए और लास्ट तक जाना चाहिए, क्योंकि मैच वन सीरीज होने से देखकर अच्छा नहीं लगेगा। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो आज का मैच हम लोग देखते हैं एक साथ, आप लोग भी अपने डिजिटल माध्यम से देखिएगा, मैं भी देखता हूँ। और इसी के साथ मैंने आज का एक छोटा सा ब्लॉग ही बनाया था आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैच है और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। और चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और मैच का तो रात में ही पता लगेगा और ये मैं दिन में शूट कर रहा हूँ वीडियो, और मैच देखने के बाद आप लोगों को मेरी प्रतिक्रिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और हमारे घर के जो मतलब गेट के सामने जो बजरंगबली का जो झंडा लगाया है, वो झंडा भी कितने सुनसान से लहरा रहा है। और हमारे यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रखा है और वैसे तो गर्मी अभी बहुत पड़ रही है हमारे यहाँ, क्योंकि पहले हमारे यहाँ में भी ठंड थी और बारिश हो रही थी। लेकिन बारिश पड़ने से भी हमारे यहाँ रात में, अगर सुबह के टाइम में थोड़ी सी बारिश होगी तो दिन भर फिर से गर्मी स्टार्ट होगी। और देश के विभिन्न राज्यों में भी बहुत ही ज़्यादातर गर्मी है, लेकिन उसके कंपेरिजन में हमारे यहाँ गर्मी थोड़ी कम है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इसी तरह अपना जीवन का कार्य हम चला रहे हैं, गर्मी हो या बरसात हो, अपना काम तो करना पड़ेगा और यही हमारा धर्म है। और सो फ्रेंड, आज मैं आपको हमारे यहाँ पे पानी हम कैसे फ़िल्टर करते हैं, वो बहुत ही पुराने ज़माने का एक पद्धति है जो हमारे यहाँ फ़िल्टर है। आपने ऐसा फ़िल्टर शायद देखा होगा या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे घर पर ही मैंने मतलब हमारे घर के यूसेज के लिए, मतलब हमारे यहाँ पानी तो ऐसे ट्यूबवेल भी है और सप्लाई का पानी भी है, लेकिन ट्यूबवेल का पानी बहुत ही आयरन है हमारे असम में, और इसी की वजह से मैंने अपने घर में, हमारे यहाँ सभी के घर में एक एक ऐसा फ़िल्टर बना हुआ रहता है, और वो फ़िल्टर आप लोगों को भी दिखाऊंगा और पानी कैसे फ़िल्टर होता है वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग वीडियो में सो फ्रेंड, ये देख रहे ग्लाइन, बड़ी ग्लाइन है और ग्लाइन को काट के मैंने यहाँ पे रेत वगैरह भर दिए हैं। और ये रहा हमारे यहाँ का फ़िल्टर और नीचे ये बाल्टी रखी हुई है, अभी आप लोगों को दिखाएंगे पानी डालकर भी यहाँ पे और कैसे फ़िल्टर होता है, इस कितना साफ़ पानी निकलता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए पानी लेके आता हूँ ट्यूबवेल से। सो फ्रेंड, एक छोटी सी बाल्टी ले ली है मैंने ट्यूबवेल से पानी लाने के लिए हमारे यहाँ के। तो चलिए ट्यूबवेल पे पानी लेने चलते हैं। और ये रहा हमारे यहाँ का नल। और ये मैंने पानी ट्यूबवेल से निकाल लिया है। और ये बिल्कुल आयरन वाला पानी है और खारा है, इस पे सोपेंट। इस ट्यूबवेल में अभी मैंने पानी डाल दिया और ये पानी का आप कलर देख सकते हैं कैसा हो रखा है, पूरा बिल्कुल बिल्कुल मटमैला सा हो रहा है। ये देखिए, आप हाथ में भी लेकर दिखा दें, बिल्कुल मटमैला पानी हो रहा है। और अभी इसमें से फिल्टर होने के बाद कैसा दिखता है आप लोगों को दिखा देते हैं। सोपेंट, ये देखिए पानी बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है, ये देखिए बाल्टी को भर रहा है और बाल्टी पूरी साफ़ दिखाई दे रही है, पानी बिल्कुल एकदम पूरा पूरा साफ़
ये हाथ के लेके दिखा दिया, पानी बिल्कुल साफ़ है। और इसी तरीके से हम अपने घर के यूजेस के लिए पानी फिल्टर करते हैं ट्यूबवेल। सो गाइज, ये वीडियो मैं आज नेक्स्ट डे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात मैच देखते हुए बहुत ही रात हो गई थी और मैच लगभग दो बार बारिश भी आ चुकी थी, बारिश की वजह से मैच डिले हो गया था और रात के लगभग एक बजे मैच ख़त्म हुआ है। और हमारे इंडिया ने बहुत ही शानदार जीत हासिल किया, लेकिन हमारे इंडिया की बैटिंग लाइन थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि पिच कल में बहुत ही स्लो आ रहा था पिच पे बॉल, इसलिए हमारी बैटिंग लाइन थोड़ी ख़राब थी, लेकिन हमने अंत में अपनी जीत दर्ज कर ली। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करता हूँ। ये ICC T20 वर्ल्ड कप का छोटा सा एक ब्लॉग था। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।